नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल और आप देख रहे हैं एशियन भारत। अब वक्त हो चला है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मानहानि का नोटिस, शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने भिजवाया नोटिस। नोटिस में की गई माफी मांगने की मांग, विजयवर्गीय ने युवतियों की ड्रेस पर दिया था बयान। कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट, मध्य प्रदेश के अस्पतालों में की गई मॉक ड्रिल, सभी दस्तावेज चेक किए गए। मंत्री विश्वास सारंग ने की लोगों से मास्क पहनने की अपील। गेहूं खरीदी केंद्र पर किसान हो रहे परेशान, साइलो केंद्र में भारी असुविधा, 5 से 6 दिनों में ट्रॉली तुलाई से परेशान किसान, तेज गर्मी में छाव और पानी की व्यवस्था नहीं। काले सिंध नदी पर बनेगा स्टॉप डैम, 3 करोड़ की लागत से होगा निर्माण, 300 हेक्टेयर जमीन होगी सिंचित, विधायक पहाड़ सिंह कनौजे ने किया भूमि पूजन। बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, उसके पहले एक नजर डाल लेते हैं वे कौन सी बड़ी खबरें हैं। पहली खबर इंदौर से है, जहां कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव को मानहानि का नोटिस दिया गया है। शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने भिजवाया है नोटिस। 3 दिन में माफी मांगने और खेद व्यक्त करने पर अड़ी हुई है महिला कांग्रेस। वही दूसरी खबर भोपाल से है, जहां कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट हो गया है। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई है, सभी दस्तावेज चेक किए गए हैं। मंत्री सारंग भी मॉक ड्रिल में शामिल हुए हैं। वही तीसरी बड़ी खबर खाशरोद से है, जहां घेऊ खरीदी केंद्र पर किसान परेशान हो रहे हैं। साइलो केंद्र में भारी असुविधा है, 5 से 6 दिनों में ट्रॉली तुलाई से परेशान है किसान, तेज गर्मी में छाव और पानी की व्यवस्था भी नहीं है। वही चौथी खबर और आखिरी खबर बागली से है, जहां काली सिंध नदी पर बनेगा स्टॉप डैम, 3 करोड़ की लागत से निर्माण होगा, 300 हेक्टेयर जमीन होगी सिंचित, विधायक पहाड़ सिंह कनौज ने भूमि पूजन किया है। पहली खबर इंदौर से, जहां इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा एयरड्रम रोड स्थित महावीर बाग परिसर में कार्यक्रम को संबोधित किया गया था, जहां अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा था, लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती है कि सुर पंखा लगती है। वही शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष साक्षी शुक्ला डागा ने इस बयान को संपूर्ण महिलाओं का अपमान मानकर और अपनी स्वयं की मानहानि बाबत एक नोटिस अधिवक्ता सौरभ मिश्रा के माध्यम से प्रेषित किया। साथ ही उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को अपने बयान को लेकर माफी मांगने को भी कहा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से संजय सिंगर। संजय, अब तक का क्या मामला रहा है? रुचिका, मैं ये बता दूं कि जिस तरह से बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव के द्वारा ये बयान दिया गया, जिसको पूरे देश भर में जनता ने ढोल किया और उसकी आलोचना करी, क्योंकि महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी अगर महिलाओं को के प्रति इस तरह के शब्दों को बोलेगी, उनकी पार्टी भी इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करती है। लेकिन जाने अनजाने में किला जी से निकल गया, उनको इस बात का अफसोस भी है। लेकिन उनके पुत्र ने आज इंदौर शहर के अंदर उनके बयान को लेकर जो है एक पार्टी के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद उनका ये कहना था कि उन्होंने जो भी कहा वो गलत नहीं है। आजकल की लड़कियां जो है वो बड़े भद्दे तरीके से कपड़े पहनती। संजय जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस बयान को लेकर कांग्रेस कितना इसको बुनाने में लगी है, और कांग्रेस ने क्या क्या इस पर प्रतिक्रिया दी है और क्या क्या किया है? रुचिका, अगर देखा जाए तो देश भर में इस बयान को लेकर जो इसके चारों तरफ से आलोचना रही है, उसी को लेकर आज शहर महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा जो है शनिवार को एक नोटिस दिया गया। और नोटिस में देखकर उन्होंने ये मांग की गई कि अगर महिलाओं से या खासकर साक्षी शुक्ला से अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी, क्योंकि साक्षी शुक्ला ने कैलाश जी के बयान को व्यक्तिगत ले लिया और व्यक्तिगत अपमान की श्रेणी में माना, उन्होंने कहा कि 3 दिन में अगर कैलाश जी ने माफी नहीं मांगी तो कोर्ट के द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और विभिन्न धाराओं में इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। रुचिका, संजय आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कैलाश जी की इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है? केला जी ने वैसे ज्यादा कुछ तो इस बारे में नहीं कहा, लेकिन केला जी ने इतना जरूर कहा है कि मेरे कहने का आशय कुछ और था और मतलब कुछ और निकाला
गया, मेरा मतलब वो नहीं था किसी महिला को अपमानित करना, मेरा उद्देश्य नहीं था, लेकिन जिस तरह से आज के नवयुवक लड़के लड़कियां जिस तरह से वस्त्र पहनते हैं और वो जो भोलापन बदलापन जो दिखाई देता है, मेरे उसको लेकर मेरा बयान था, किसी को अपमानित करना, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये मेरा उद्देश्य नहीं था, ये केला जी का कहना है। संजय, आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे कि आकाश विजयवर्गीय ने अपने पिता का किस प्रकार से समर्थन किया है इस विवाद को लेकर? रुचिका के लिए जानकारी भी ये थी कि आकाश विजयवर्गीय ने आज अपने क्षेत्र के सारे कार्यकर्ता को इकट्ठा किया, इकट्ठा करने के बाद उन्होंने एक ज्ञापन भी तैयार किया था कि वो एमजी रोड थाने को देना भी चाहते थे, लेकिन दिया कि नहीं दिया ये मेरी जानकारी में भी आया है, लेकिन उनका ये कहना था कि पिता ने जो भी कहा उनका उद्देश्य गलत नहीं था, उनका कहता है कि जिस संस्कृति के साथ आज की नवयुवक पीढ़ी जिस तरह कपड़े पहन रही है हमारी संस्कृति को बदनाम करने में लगी है, सिर्फ उनका उद्देश्य था कि ये इस तरह के भद्दे कपड़े ना पहने, अच्छे कपड़े पहने, अच्छी संस्कृति में रहे, ताकि हमारे हमारे कल्चर के भी तारीफ हो, लोग हमारी भी तारीफ करो, महिलाओं को सम्मान की नजर से देखे। रुचिका, तो ये खबर थी इंदौर से, जहां कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव को मानहानि का नोटिस दिया गया है। शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने भिजवाया है नोटिस, 3 दिन में माफी मांगे, खेद व्यक्त करे, उनका ये कहना है। दूसरी खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट हो गया है। रविवार को प्रदेश में कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस मौके पर अस्पतालों में सभी इंस्ट्रूमेंट को भी चेक किया गया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना से निपटने की तैयारी की समीक्षा की। वहीं भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मॉक ड्रिल में मंत्री सारंग भी शामिल हुए। सारंग ने कहा, मध्य प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है, हर स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी है। मंत्री सारंग ने नागरिकों से मास्क लगाने और भीड़ वाले इलाके में जाने से बचने की भी अपील की है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं आबिद। आबिद, तेजी से बढ़ते मामलों के बाद आज मॉक ड्रिल रखी गई थी, कितना तैयार है हमीदिया अस्पताल? सॉरी, कोरोना को देखते हुए सरकार की चिंता ही यहाँ पर बढ़ने लगी। सरकार की चिंताओं के साथ जिस तरह से मॉकड्रिल किया गया और पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ मॉकड्रिल किया गया, एक साथ मॉकड्रिल करने के साथ सरकार का जरूर ये बयान सामने आया है कि चिंता की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम सिविल सर्जन की बात करें तो सिविल सर्जन ने भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण की बात यहाँ पर कही है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कोरोना का जो ग्राफ चल रहा है जो चिंता का विषय तो है लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भी कहा कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में यहाँ उपलब्धता है, डब्बे सिलेंडर उपलब्ध है, 400 से ज्यादा डब्बे सिलेंडर जो गैस जो ऑक्सीजन के होते हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं। इसलिए उन्होंने लोगों से भी आह्वान किया है कि वो इससे डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन सावधानी जरूर बरतें। आबिद, आपसे जानना चाहेंगे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने क्या जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और लोगों से क्या अपील की है? देखिए, उन्होंने लोगों से यही कहा है कि सावधानी रखें, मास्क का उपयोग करें, जो कोरोना का प्रकोप एकदम लगातार जो बढ़ रहा है। आकर बात करें भोपाल तो व्यापारिक संस्था इंदौर की, तो इंदौर में जिस तरह से और भोपाल में जो कोरोना का मरीज बढ़ रहा है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सावधानी बरतें, कि गर्मी की जरूरत नहीं है, मास्क का उपयोग करें, पर्याप्त मात्रा में बेडिंग यहाँ पर उपलब्ध है। दूसरा, उन्होंने लोगों से अपील की कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से वो बचे। तो ये खबर थी भोपाल से, जहां कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट है। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई है, सभी दस्तावेज चेक किए गए। मंत्री सारंग भी मॉक ड्रिल में शामिल हुए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सभी को 2 गज की दूरी रखने के लिए भी अपील की गई है।
तीसरी खबर खाशरोद से है, जहां मध्य प्रदेश में इन दिनों गेहूं खरीदी की जा रही है, लेकिन सालों केंद्र पर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामला उज्जैन जिले की खाशरोद तहसील से जुड़ा है, जहां गेहूं खरीदी केंद्र पर किसान परेशान हो रहे हैं। दरअसल सालों केंद्र पर असुविधा के चलते पिछले 5 से 6 दिनों से तुलाई नहीं हो रही। इतना ही नहीं, यहाँ किसानों के लिए तेज गर्मी में छाव और पानी की व्यवस्था भी नहीं की गई है। बताया गया तहसीलदार को निरीक्षण के दौरान किसानों ने शिकायत भी की थी, बावजूद इसके समस्या का निराकरण नहीं किया गया। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खाशरोद से चंद्रभान सिंह। क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है चंद्रभान जी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसानों को तो शुरू से समस्या का देखते है, क्योंकि फसल पर प्रकृति की मार पड़ती है, उसको बचा के लेके आता है और जैसे तैसे अपनी फसल को खरीदी केंद्र पे सरकार के माध्यम से बेचता है। वहाँ जाके उनको 8 से 10 दिन यहाँ के ट्रालियों को रोकना पड़ता है। उसके बाद पानी पीने और छाव की व्यवस्था नहीं, कार्य करना खाने पीने की व्यवस्था है किसानों के लिए। तो फिर उनके जो खेती कृषक के स्थान से 20-30 किलोमीटर दूर लेके गेहूँ ला के बेचने जाना पड़ता है। तो इस तरह से किसानों को समस्या बनी हुई है। यहाँ पर न प्रशासन ध्यान दे रहा है, न यहाँ कोई राजनीतिक लोग ध्यान दे रहे हैं, न कोई देखने आते किसान। यहाँ आके देखते हैं कि मीडिया को बताते हैं अपनी समस्या की बातें, वो लोग परेशान हो रहे हैं। जी मैम, कितने समय से परेशान हो रहे हैं किसान चंद्रभान? मैडम, मध्य प्रदेश सरकार ने 25 मार्च से खरीदी केंद्र शुरू किए थे, जहाँ पर इनको किसानों की गेहूँ लेना थे। जिस दिन से समस्या, जब गेहूँ का खरीदी केंद्र शुरू हुआ उसी दिन से किसानों को समस्या बनी हुई है। तभी ट्रैक्टर ट्रैली को गेहूँ को रिजेक्ट कर देते हैं कि आपकी गेहूँ में कचरा है, हुई है या गीला है, बता के मशीन चेक करके। तो किसानों को लंबी लाइन के 6-7 दिन बाद में जब टेस्टिंग होती है गेहूँ की, तो टेस्टिंग में यदि गेहूँ फेल होता है तो 6 दिन का किराया किसान को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी मैडम, चंद्रभान आपसे जानना चाहेंगे जिम्मेदारों का क्या कहना है इस पर? जिम्मेदारों को मतलब मैडम, इस केंद्र पर पिछली वर्ष भी साइलो केंद्र यहाँ बना हुआ था, लेकिन पिछली बार भी समस्या थी, लेकिन उस समस्या को निगरानी रखते हुए वापस इस बार वही समस्या दिख रही है। जिम्मेदार ठेकेदार यहाँ कोई बोलने को तैयार नहीं है। तहसीलदार आए थे अर्पित मेहता, उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि हम जितने यहाँ पे आए थे वो पंचनामा बना के चले गए। पंचनामा बना के बताया कि उच्च अधिकारी को हम बताएंगे और समस्या को समाधान करने का निर्देश यहाँ दिया है। जिस तरह से पानी की व्यवस्था नहीं किसानों को इतनी गर्मी में, तो उसके लिए तुरंत व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। ये खबर थी खाशरोद से, जहां गेहूं खरीदी केंद्र पर किसान परेशान हो रहे हैं। सालों केंद्र में भारी असुविधा है, 5 से 6 दिनों में ट्रॉली तुलाई से परेशान है किसान। तेज गर्मी में छाव और पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। चौथी और आखिरी खबर बागली से है, जहां बागली विधानसभा से गुजरने वाली काली सिंध नदी पर एक बड़ा स्टॉप डैम बनाने की वर्षों से किसानों द्वारा मांग की जा रही थी। इसी मांग को पूरा करने के लिए बागली विधायक पहाड़ सिंह कनोजे द्वारा बेराज स्टॉप डैम का भूमि पूजन किया गया। इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मोखा पिपलिया ग्राम पंचायत से गुजरने वाली काली सिंध नदी पर स्टॉप डैम बनाने की आसपास के किसानों द्वारा लगातार मांग की जा रही थी, जिसको देखते हुए जल संसाधन विभाग द्वारा करीब 3 करोड़ की लागत से बनने वाले बेराज स्टॉप डैम का भूमि पूजन स्थानीय विधायक पहाड़ सिंह कनोजे, पूर्व मंत्री दीपक जोशी, सांसद प्रतिनिधि दुल्हे सिंह दरबार के आतिथ्य में संपन्न हुआ। विधायक कनोजे ने बताया कि डैम के बनने से 300 हेक्टेयर जमीन सिंचित हुई थी, जिससे किसानों को लाभ होगा और आसपास के क्षेत्रों में वाटर लेवल बढ़ेगा। अधिक जानकारी के लिए बागली से मुकेश पाटीदार हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी, कितने महीने से परेशानी चल रही थी? मुकेश, आपको आवाज आ रही है? शायद मुकेश से संपर्क टूट चुका है। तो ये खबर थी बागली से, जहां काली सिंध नदी पर अब बनेगा स्टॉप डैम। 3 करोड़ की लागत से होगा निर्माण, 300 हेक्टेयर जमीन होगी सिंचित। विधायक पहाड़ सिंह कनोजे ने किया भूमि पूजन। तो ये थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। बने रहिए news@4pm में। नमस्कार।